हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीएस व्लॉग्स। तो ना मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि वर्किंग आवर्स कितने हैं। देखो, लीगली 20 आवर्स है बैचलर्स के लिए और 40 आवर्स है मास्टर्स के लिए। ऑलमोस्ट हर कंट्री में ये सेम है, पर ये जो फूड डिलीवरी है, जैसे बोल्ट हो गया, इसके लिए ना रिलैक्सेशंस है, मतलब इतना कोई पूछता नहीं है। तो वैसे तो हमें 20 घंटे ही काम करना चाहिए, पर विलनेस में जितने भी लोग हैं फूड डिलीवरी करते हैं, कोई 40 आवर्स या 20 आवर्स काम नहीं करता, उससे ज़्यादा ही करते हैं फूड डिलीवरी। तो ये इतना मैटर नहीं करता बिजनेस में। तो बहती गंगा में हाथ धो लो, बस यही बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ वॉर्सो आया हुआ हूँ। मैंने ना 3-4 लोगों से बात की है, मैंने उनसे पूछा कि क्या है टाइम लिमिट यहाँ पे। तो उन्होंने भी यही बताया कि 20 आवर बैचलर्स के लिए, 40 आवर्स मास्टर्स के लिए। पर वो किस में है, वो पार्ट टाइम जॉब्स में है, जैसे अपना रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे हैं, ये हो गया, और कुछ भी और जिस जॉब्स हो गए उसमें है। पर अगर फूड डिलीवरी कर रहे हैं तो ये भी, ये इन्होंने खुद बोलते हैं ये कि हम जितना मर्जी का, अभी तक कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी इमिग्रेशन वाला ने नहीं पूछा अभी तक किसी कुछ। अगर पोलैंड जैसी कंट्री में लोग उतना काम कर रहे हैं, ये कोई पूछ नहीं रहा, तो लिथुएनिया क्या है, बिजनेस तो बहुत छोटी जगह है। इन कंट्रीज़ में अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रही है, अगर पोलैंड में नहीं हो रही, तो अब मैं किसी को बोलता नहीं क्यों करने के लिए, अब वो उनके ऊपर है कि अगर तुम रिस्क ले सकते हो, लोग अगर नहीं ले सकते तो 20 घंटे काम करो, है ना। अभी अपने ऊपर है, अब लीगली 20 घंटे ही हैं और 40 घंटे हैं मास्टर्स के लिए, अभी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, और बाद में अगर कहीं फंसोगे तो वो सबके लिए, क्योंकि जितने लोग हैं ना, कम से कम मतलब जितने बच्चे हैं ना, सब ज़्यादा ही काम करते हैं। ठीक है, अब वो सबको तो रिपोर्ट नहीं करेंगे, और अभी तक यहाँ से किसी को किया नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, इतने सालों से लोग आ रहे हैं, अभी लाइन हो गई है। ठीक है, तो देख लो, अपनी मर्जी है। अब मेरे को बार बार लोग ये पूछते रहते हैं, भाई आप इतना काम करते हो, मैंने क्योंकि मैंने एक वीडियो बताया मैं 55 आवर्स काम कर किया था पिछले हफ्ते, तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अब आपके ऊपर है। ठीक है, आपने कितना काम करना है, अगर फंसोगे तो आप खुद फंसोगे, है ना। तो अपना आपको ज़्यादा सही लगता है आप वो करो। इस चीज़ में मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीगल काम नहीं है, है ना, और इलीगल भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर कुछ अभी तक बना नहीं है फ्रीलांसिंग के लिए। ये जो फूड डिलीवरी है बोल्ट और वोल्ट, तो ये फ्रीलांसिंग के अंदर आता है, तो अभी तक इसके लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है नहीं। इंडिविजुअल एक्टिविटी बनानी है और हमें टैक्स पे करना है, तो वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर। और लोग ऐसे भी बिना इंडिविजुअल एक्टिविटी के काम कर रहे हैं, क्योंकि बोल्ट अलाउ करता है काम करने के लिए, तो अगर आप इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं बनाओगे आपको टैक्स भी नहीं देना, तो ऐसा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इतना ही है इस वीडियो में। तो मैं वॉर्सो आया हुआ हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, ताकि बाद में एडिट करके अपना डाल दूँ सारे, बहुत सारे हर टॉपिक में बना चुका हूँ मैं वीडियो, ऑलमोस्ट जो मैं सोचे हुए थे बहुत सारे बनाए हैं, तो आगे भी और बनाऊँगा। तो गाइस, अब आपके ऊपर है आपको कैसे करना है ना, इस पर मैं कोई प्रॉपर एडवाइस नहीं दे सकता। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। Goodbye.